सो हे गाइज व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू बॉडी चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबसे आसान और बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोग अपने फोटो के बैकग्राउंड को जो कलर में चाहो एडिट कर सकते हो। जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं वन क्लिक कर रहा हूँ और हमारा फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर एडिट हो रहा है। तो अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का फोटो को एडिट करना सीखना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहेगा। एंड वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है तो इस वाले वीडियो को आप लोग वन लाइक जरूर से करना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने फोन के अंदर आप लोग को प्ले स्टोर को सिंपली ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ इस तरह से। एंड यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, 3D लट यहाँ पर लिख के सिंपली सर्च करना है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे भाई ओपन करते ही कुछ ऐसा आप सभी के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे में ओपन गैलरी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर बगल में है। तो इसी वाले ओपन गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। एंड यहाँ पर क्या करना है, जिस फोटो को आप सभी को एडिट करना रहेगा उसी वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो वेल एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली इस वाले गर्ल की फोटो को एडिट कर लिया हूँ। आप लोग देख ही सकते हो इस तरह का विदाउट एडिटिंग वाला पिक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बिना एडिट किए हुआ फोटो। तो फोटो को ऐड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा लाइट वगैरह को एडजस्ट करना है। तो लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करना है, बेसिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि ऊपर में दिया गया है। तो इसी वाले बेसिक के ऑप्शन पर क्लिक करके ब्राइटनेस को हल्का सा अपने फोटो के हिसाब से बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ इतना इसको बढ़ाता हूँ, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को ही बढ़ाता हूँ इस तरह से। ये चीज़ आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हो। और वाइट बैलेंस को हल्का सा माइनस को ही करना है इस तरह से, ताकि आपका फोटो अच्छा लगे देखने में यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ाना है और शार्पनेस को आप लोग जरूर यहाँ पर बढ़ाइएगा, ताकि आपका फोटो HD के अंदर बने इस तरह से। देख सकते हो मैं शार्पनेस को बढ़ा रहा हूँ। एंड अब वन क्लिक के अंदर फोटो को एडिट करने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है, ऊपर में लट का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसी वाले लट के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। और इसको यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड में बढ़ाना है। तो यहाँ पर टॉप 25 के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसी वाले टॉप 25 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर वन क्लिक के अंदर हमारा फोटो कितना मस्त यहाँ पर एडिट हो रहा है, जो कि फर्स्ट में ब्लैक टोन है, हल्का सा ब्लू कलर में भी है यहाँ पर देख सकते हो, बिफोर आफ्टर। एंड यहाँ पर दूसरे फिल्टर को देख सकते हो यहाँ पर कितना मस्त एडिट हुआ है भाई, यहाँ पर बिफोर आफ्टर बिना प्रीसेट का, और ये ऑरेंज कलर टोन में एडिट हुआ है। यहाँ पर आप सभी को हर कलर का फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हो, और ये ऑरेंज कलर टोन है, और ये टील एंड ऑरेंज कलर टोन है, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर टोन है, एंड यहाँ पर ये पिंक कलर टोन है देख सकते हो यहाँ, और ये रेड टोन है बिफोर आफ्टर। तो मुझे गाइज यहाँ पर पिंक टोन बहुत ही अच्छा लगा देखने में, जो कि देख सकते हो हमारे फोटो के साथ ये मैच हो रहा है, क्योंकि गर्ल का जो ड्रेस है वो भी पिंक कलर में है, तो मैंने इसको पिंक कलर में ही सेलेक्ट कर लिया है। और अब फोटो गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली ऊपर में डन का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसी वाले डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव कर लेना है इस तरह से। देख सकते हो ये सेव हो चुका है, बट आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत यहाँ पर खराब हो चुका है। ये सब जो चीज है इसको हम लोग सही करने वाले हैं, यानी कि अपने बैकग्राउंड को हम लोग ब्लर करेंगे। तो ब्लर करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोटो रूम ऐप का यूज करूंगा। तो इस वाले फोटो को यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इस वाले फोटो को फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करता हूँ इस वाले ऐप के अंदर। इस वाले ऐप के अंदर फोटो को शेयर करते ही ऑटोमेटिकली आपके फोटो को ये स्कैन करेगा और आपके फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। एंड यहाँ पर क्या करना है, इसको नीचे की ओर करना है। तो यहाँ पर आप लोग को ब्लर के नाम से एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसी वाले ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने बैकग्राउंड पर एक बार क्लिक करना है इस तरह से।
और नीचे में एक ब्लर का अमाउंट दिया रहेगा, तो इसी वाले ब्लर के अमाउंट को सिलेक्ट करना है और ब्लर को हल्का सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। जो ब्लर आप लोग को अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने कुछ इतना इसको कर लिया है और अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ऊपर की ओर करना है। तो यहाँ पर एडजस्ट के नाम से एक टूल देखने को मिलेगा, तो इसी वाले एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सैचुरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या करना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है इस तरह से। और आप लोग चाहो तो यहाँ पर ह्यू को भी चेंज कर सकते हो अगर आप लोग को बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आता है तब। तो मुझे यहाँ पर पिंक ही रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको पिंक ही कर लेता हूँ। और आप फोटो को गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली ऊपर में शेयर वाला ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी के अंदर सेव करना है। और अगर ये वाला लोगो आता है यहाँ पर देख सकते हो फोटो रूम का, तो इसको आप लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन में हीलिंग ब्रश का यूज करके रिमूव कर सकते हो। और फेस को स्मूथ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, उस वाले वीडियो को देख सकते हैं।